एक्टर प्लासिड लुईस द सेक्रेटरी ऑफ रोटरी क्लब ऑफ एसआईएस कॉलेज नेरुल फॉर द ईयर 2023-24 वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द एलुमनाई टॉक शो एंड वी हैव आवर गेस्ट हियर आई एम अलुमनस रोटरैक्टर अपूर्व चिटनिस आई वॉज इन रोटरी क्लब ऑफ एसआईएस नेरुल फ्रॉम 2009 टू 2012 सो मोर देन 10 ईयर्स अगो मेक्स मी फील एंशियंट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड to be back at RCSIS again. So yeah. This was an initiative so that we can bring back our alumni and we can share a story with them and you all can share one with us. Yes. And we can let our audience know more about what used to happen, what is Rotaract. So this is the knowledge we want to share with everyone. Okay. So moving on to the questions, I would like you to share a funny incident or a story with our audience so that they can laugh. If there is something to remember and something funny. So we'll start with laughter first. So funny incident, I was बहुत सारे किस्से हुए वैसे but एक जो मुझे याद आ रहा है रायला होता था रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स राइट तो ओवरनाइट होता था आई थिंक दो रात तीन दिन ऐसा सो वी यूज्ड टू गो टू सम वेन्यू कहीं हमें ले जाते थे लोनावला एक्सेट्रा वहाँ पे ये इवेंट होता था सो उसमें एक इवेंट था जहाँ पे आपको फैशन शो होता है तो आपको कुछ चीज़ें दी जाती है लाइक पीस ऑफ क्लोथ सम मार्कर्स सम पिंस एक्सेट्रा बेस्ट आउट ऑफ हाँ तो आपको कुछ क्रिएट करना है उसमें से आपको आउटफिट क्रिएट करना है उसमें से और मेरा दोस्त था शार्विन नाम का मेरा दोस्त था मिठी भाई से So he and another girl from our team, they were supposed to be walking on the ramp, but due to some incident, he couldn't be part of it. So they were like, "Ki tum chale jao, you do it." So I was like, "Okay." So I was there with this girl, और हमको वो सब सामान मिला, and that girl got so excited, creating the outfit out of it that हमको hardly एक मीटर कपड़ा शायद मिला होगा जो मुझे नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतना सा कपड़ा कौन देता है बट और उसको वन पीस बनाना था उसमें से तो थीम था हमारा सेव टाइगर और पहला जोक यही है कि हमने टाइगर प्रिंट के कपड़े बनाए थे जैसे कि आपने टाइगर की खाल पहनी हो तो उसने बहुत सारा कपड़ा काट लिया खुश का बंदी और मेरे लिए लिटरली इतनी चड्डी बच गई टार्जन वाली सो और वो पहनने के बाद मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी सो जब तभी मुझे रियलाइज हुआ कि शॉर्ट स्कर्ट पहन के लड़कियों को कैसे फील होता होगा पहली बार चलने में तो मैंने बहुत ही संभल संभल के वो रैंप वॉक किया ताकि कहीं से कुछ गिर ना जाए मेरी पैंट ना छूट जाए या जो भी मेरा स्कर्ट बना हुआ था वो छूट ना जाए वो करके मैं वापस गया और मैं मेरी रूम की तरफ भागा और वही दोस्त जिसको बचाने के लिए मैंने ये किया था उस वो पीछे मेरे भाग रहा था मेरी लंगोट खींचने के लिए सो दैट वाज वन ऑफ द वेरी फनी इंसिडेंसेस दैट रोटरैक्ट हैज गिवन मी सो अपार्ट फ्रॉम द फनी इंसिडेंट्स नाउ वी विल मूव ऑन टू द लीडरशिप स्किल्स और एनीथिंग लीडरशिप रोल यू हैव लर्नड फ्रॉम रोटरैक्ट और इफ देयर इज अ लाइक फॉर एग्जांपल एक चैलेंज आपको प्रोफेशनल लाइफ में आया हो जो रोड ट्रैक में आप थे जिसके वजह से आप वो सीखे हो और आपने वो ओवरकम किया हो रोड ट्रैक से मुझे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प मिली है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब सेक्रेटरी बना तब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी और मुझे ये था कि मुझे यू नो आई वांट टू वर्क ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स तो मेरी जो प्रेसिडेंट थी प्रीति पार्थसारथी शी वॉज वेरी गुड एट इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन इन जनरल सो दैट अपॉर्चुनिटी हेल्प एंड मी बीइंग अ सेक्रेटरी मुझे लेटर्स लिखने पड़ते थे मुझे बहुत कुछ ड्राफ्ट करना पड़ता था तो उसमें मेरी लैंग्वेज कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन बहुत इम्प्रूव हुआ मुझे बहुत काम आया ऑफकोर्स एंड इन जनरल अलग अलग टाइप के लोगों के साथ काम करके आप जो पीपल स्किल्स सीखते हो या आप एक अप्रोच सीखते हो कि अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो आप बैक ट्रैक करते हो ना कि मुझे स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी मुझे पार्टिसिपेशन लाना पड़ेगा मुझे वेन्यू देखना पड़ेगा तो ये जो स्किल्स है वो आपको वैसे भी रेलेवेंट होते हैं जब आप काम करते हो आप टीम के साथ काम करते हो तो इन सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प की है एस्पेशली पीपल स्किल्स वर्क बीइंग एबल टू वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल दैट हैज हेल्प मी अ लॉट इन माय प्रोफेशनल करियर आई कैन समवॉट रिलेट टू दिस क्योंकि मैं भी सेक्रेटरी के पोजीशन में हूँ दिस ईयर
सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेबल फॉर मी. करेक्ट, जो तुमको करना पड़ता है अब. और ये आगे भी मेरे को बहुत हेल्प करने वाला है जो भी चीजें आई एम लर्निंग हियर. एब्सोल्युटली. सो द नेक्स्ट वन इज रोट्रैक्ट एज अ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर इट्स कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव्स. कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो करते हैं ये चीज़ रोटरी भी करते आ रहे हैं. तो रोट्रैक्ट भी, सो एक इमेज बन गया कि रोट्रैक्ट इज मोर ऑफ व्हाट समवॉट रिलेटेड टू कम्युनिटी सर्विस. सो हैव यू डन एनीथिंग इन कम्युनिटी सर्विस एंड व्हाट वो आगे जाके आपको हेल्प हुआ है कुछ? लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ इनिशिएटिव जिसमें हम लोग स्ट्रे डॉग या फिर पेट्स को कुछ कर रहे हैं तो आगे जाके वो एक आप में अंदर में एक क्वालिटी आता है दैट यू आर more tender and passionate towards other Correct. animals and all. Correct. So is there anything you can share with us? So एक event हमने किया था, हमने secret santa किया था. पनवेल में एक NGO था for mentally challenged kids. तो उनके साथ हमने secret santa किया था and for some reason back then तो पहले हम जाके मिले उन बच्चों से, हमने बातें की और बातों बातों में हमने निकलवाने की कोशिश की कि उन्हें क्या पसंद है. बहुत सिंपल चीज़ें थी, क्रेयॉन का बॉक्स चाहिए, कुछ ड्राइंग पेपर्स चाहिए, कुछ टॉय चाहिए, छोटा फुटबॉल चाहिए. और बाद में वो चीज़ें हम लेके वहाँ पे गए एंड वी सेलिब्रेटेड विद देम एंड आई स्पोक टू माय मदर और मैंने बोला कि एक बच्ची है जिसे मुझे ड्रेस गिफ्ट करना है. तो वी गॉट अ ड्रेस स्टिच्ड फॉर हर साइज एंड हमने वो मैंने वो ड्रेस उसको दिया, उसने वो पहना और उसकी जो खुशी है मुझे अभी भी याद है कि यू नो बहुत छोटी सी चीज़ है हमारे लिए बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर समबडी. इसका फ़ायदा तो मैं मुझे नहीं पता कि क्या है बट ओवरऑल बहुत अलग अलग ऐसे इवेंट्स करके या ओल्ड एज होम्स में जाके ना इन जनरल आपकी एम्पथी थोड़ी और अच्छी हो जाती है. आप आपके सराउंडिंग में आप अपने आप में नहीं खोए रहते हो. आप थोड़े दूसरों की स्टोरी में जाते हो यू नो कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, किसको क्या दिक्कत है, आप किसको क्या हेल्प कर सकते हो. तो वो कहीं ना कहीं से मुझे मेरा फर्स्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन रोटरा के थ्रू हुआ जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स करने के बाद ओवरऑल. और फिर वो यू नो अगर आप सेंसिटिव सेंसिबल इंसान हो तो वो आप ओल्ड एज होम जाओगे तो सिर्फ आप बूढ़े लोगों से प्यार से बात करोगे ऐसा नहीं है. फिर वो एम्पथी आपके अंदर, फिर आप सभी से उतने प्यार से और अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करते हो. तो वो इट कम्स टू स्ट्रे डॉग्स आल्सो, इट कम्स टू ओल्ड पीपल आल्सो, इट कम्स टू एनीबडी एंड एवरीबडी. तो ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकता लेकिन हाँ, इट हैज़ मेड मी अ सॉफ्टर एंड अ नाइसर पर्सन प्रोबेबली. सो रोट्रैक मेक्स एवरीवन सॉफ्टर एंड दिस नाइसर. या बिकॉज़ व्हाट यू लर्न हियर यू टेक एंड यू शेयर विद एवरीवन. और जो भी आपका इमेज पर्सनालिटी रहता है वो उसके तरफ ये होता है. सो द नेक्स्ट वन इज रोट्रैक्ट में एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी मीट मैनी पीपल. लाइक इफ यू आर इन कोर टीम आपके कोर मेंबर्स रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, जनरल बॉडी मेंबर्स रहेंगे, दूसरे क्लब मेंबर्स रहेंगे. तो एज अ होल यू डील विद अ लॉट ऑफ एंटिटीज, लॉट ऑफ पीपल. आप गवर्नमेंट से डीलिंग कर बात करते हो फॉर एनीथिंग, देन देयर कॉलेज अथॉरिटीज एंड ऑल. तो इसमें एक तरह से आपका कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, आपके फ्रेंडशिप बढ़ता है. सो इज देयर एनीथिंग जो रोट्रैक के वजह से आपका फ्रेंडशिप या कनेक्शन है जो आपको प्रोफेशनली हेल्प हुआ है? डायरेक्टली आई डोंट थिंक सो. मुझे कोई ऐसा कोई कॉन्टैक्ट है जिससे प्रोफेशनल लाइफ में मुझे किसी ने कोई हेल्प की है, बट उन्होंने जो भी दिया है मुझे, उन्होंने जो भी मेरे लाइफ को एनरिच किया है, जो फ्रेंडशिप ऑफर की है, उसकी वजह से बहुत चीज़ें बनती हैं. लाइक उसकी वजह से इनडायरेक्टली मैं वो इंसान बना जिस जो फिर जिसको हेल्प हो गई अपने प्रोफेशनल लाइफ में, समझ रहे हो? सो इट जस्ट चेंजेस यू एज अ पर्सन एंड देन योर प्रोफेशनल लाइफ इज पार्ट ऑफ यू बीइंग दैट पर्सन. सो इट इज लाइक दैट. सो इफ यू वुड लाइक टू गिव अ क्रिएटर टैगलाइन फॉर रोट्रैक्ट, व्हाट इट वुड बी? व्हाट वुड टैगलाइन फॉर रोट्रैक्ट? आई थिंक यूथ फ्रेंडशिप एंड पैशन, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि ये तीन चीज़ें मुझे एक साथ दिखती है जब मैं रोट्रैक को देखता हूँ कि देर इज़ अ लॉट ऑफ यूथ एनर्जी, यूथ पावर, बहुत सारे यंगस्टर्स साथ में आके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें बहुत फ्रेंडशिप इज समथिंग आई थिंक दैट वॉज देयर एंड इट इज स्टिल देयर
जो मैं बिलीव करता हूँ रोट्रैक में, तभी भी वो दोस्ती थी और अभी भी वो होगी आई एम श्योर. क्योंकि उसके अलावा आप जितने प्रोजेक्ट्स करते हो, जितनी चीज़ें करते हो, वो आप नहीं कर पाओगे ना अगर आप उतने फ्रेंडशिप में कनेक्टेड नहीं हो एक दूसरे से. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड द पैशन, वो जो ड्राइव लेके आते हैं लोग, कुछ करते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ वॉट माई टैग लाइन वुड बी फॉर रोट्रैक. So alone you can't do anything, but with a group of friends you can move yes. mountains. बहुत कुछ कर सकते हो ना आप, क्योंकि फिर बहुत सारे काम होते हैं एक बड़ी चीज़ करने में, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. आप एक दूसरे को हेल्प करते हो, कोई कुछ नहीं कर पाता है आप फिल इन करते हो, आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दूसरे को हेल्प मांगते हो, बोलते कि अरे मेरे से अभी मेरे को ये करना पड़ रहा है, तो कर देगा क्या. सो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आई वुड लाइक यू टू शेयर अ पीस ऑफ एडवाइस और अ विजडम रिलेटेड थिंग फॉर आवर मेंबर्स, which is related to your professional or anything or a friendship thing or something related to road track. Advice. कुछ भी रह सकता है, wisdom related या फिर. Okay. ये एक advice शायद मुझे लगता है कि आप system आपको दी गई है help करने के लिए, you know. कि आपको रिपोर्टिंग करनी है, एक GBM, एक स्ट्रक्चर है, यू नो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने के लिए दी गई हैं, तो आप इनमें बंद मत जाना या इनके लिए कुछ मत करना. ये जो सर्विस हम करते हैं या जो काम हम करते हैं उसके लिए सिस्टम दी गई है, ये सिस्टम के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं या सिस्टम के लिए काम नहीं करना चाहिए. तो आप जब रोट्रैक जैसी जगह में आते हो तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो, एक्सप्रेस करो आपको क्या लगता है, आपको कौन सा चेंज इस दुनिया में देखना पसंद है, उसकी बात करो, उसके लिए कुछ करने की कोशिश करो और उस प्रोसेस को एंजॉय करो. ज़्यादा मत सोचो कि कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके लिए तो अभी बहुत लाइफ पड़ी है. आप जॉब करोगे तो ये खाली एक फेज है आपके यूथ का, सो यू शुड एक्सप्लोर इट. एक्सप्लोर करो जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करो. जो अनकंफर्टेबल चीज़ें, अनकंफर्टेबल एवेन्यूज, प्रोजेक्ट्स, टास्क हैं, अगर आप एक्सेल शीट में अच्छे नहीं तो कोशिश करके देखो. PPT नहीं बना सकते कोशिश करके दो. पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है तो करके देखो, क्योंकि यहाँ पे सारे दोस्त हैं. यही आपका प्रीलिम्स है जो आपको फाइनल फाइनल काम आएगा आगे जाके. तो जो चीजें आप इधर मिस्टेक्स आप कर सकते हो. हाँ बिल्कुल. और यहाँ पे क्या करेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे चार दिन से छोड़ देंगे. हाँ. और आपको भी मौका मिलेगा उनका मजाक उड़ाने का, तो इट विल बी ऑल फन एंड गेम्स. सेफ एनवायरनमेंट टू ग्रो. हाँ बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आप दोस्तों के बीच में हो ना. यू आर, यू कैन बी योर सेल्फ. तो आप एक्सप्लोर करो, एक्सप्रेस करो, उस एक्सपीरियंसेस लो, मजे करो. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रोट्रैक्ट एज अ इज सीन एज अ यूथ विंग ऑफ रोटरी. तो एक टाइम था जब लोग ये था कि रोट्रैक्ट और रोटरी, मतलब रोटरी रोट्रैक को स्पॉन्सर कर रहा है या फिर ये. तो अभी द टाइम्स हैव चेंज्ड. नाउ एक ऐसा इमेज बन गया कि रोट्रैक क्लब आर द पार्टनर ऑफ द रोटरी. तो पहले स्पॉन्सर करते थे, अभी पार्टनर तक पहुंच गए. सो ऐसे ही व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर क्या है रोट्रैक का, मतलब अभी इधर तक हम लोग पहुंचे तो आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है रोट्रैक के, बिकॉज यू हैव सीन इट ग्रोइंग इन स्टार्टिंग फेजेस. नाउ इट हैज ग्रोन अ लॉट. सो डू यू थिंक एनीथिंग फॉर द फ्यूचर, यू कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग. तो ये वैसा ही है ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चा होता है और पेरेंट्स ने उसको जन्म दिया. सो रोट्रैक हैज कम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ रोटरी हैज एनविजन्ड कि एक यूथ विंग होनी चाहिए, यूथ का ट्रांसफॉर्मेशन, यूथ का चेंज होना चाहिए. तो तभी जब शुरू किया था, तो आप छोटे बच्चे को खाना खिलाते हो, वो खुद जाके नहीं कमा सकता. फिर वो बड़ा होता है एंड देन ही बिकम सेल्फ सफिशियंट. और फिर उसके बाद में वो पेरेंट्स का रिश्ता दोस्ती का हो जाता है बस, कि आप इक्वल हो जाते हो, आप फ्रेंड्स हो जाते हो. तो मुझे लगता है इसी फ्रेंडशिप को यूज़ करके गोइंग फॉरवर्ड यू शुड डू अ लॉट ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट, बिकॉज रोटरी कैन ब्रिंग इन वे मोर मनी वेरी इजीली देन रोट्रैक. दैट इज द ट्रूथ. या बिकॉज रोट्रैक में क्या है कि लोगों के पास टाइम है, एनर्जी है, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं है. एग्जैक्टली.
एट द सेम टाइम रोटरी के पास ऐसा है कि दे हैव देयर फंड्स रेडी बट उन लोगों के पास टाइम और एनर्जी नहीं है टू गेट इनटू द इवेंट्स प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने के लिए ज्यादा. एब्सोल्युटली. तो आगे जाके अगर रोटरी रोटरैक्ट साथ में एक टेबल पे एज फ्रेंड्स बैठ के कुछ चीज एनविजन करे कि हम क्या कर सकते हैं. विजन दोनों का हो, यू नो रिसोर्सेज या फंड्स किसी एक के हो और ड्राइव और मैन पावर किसी और की हो, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. तो साथ में चल के बहुत कोलैबोरेटिव एफर्ट हो सकता है. मुझे लगता है कि आगे जाके ये कोलैबोरेशंस और फ्रूटफुल हो और अच्छे हो और जिस कम्युनिटी में रोटरी रोटरैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिशियल हो, आजू बाजू में आपके जो है लोग उनको वो बेनिफिशियल हो, ऐसा मुझे लगता है. So my next question would be a quick response, like a rapid fire. Your favorite Rotaract event? DRD, Dance Rotaract Dance. Dance Rotaract Dance. And the next one is most challenging moment or an event or anything situation you have been through in Rotaract. The most challenging one. Challenging situation in Rotaract would probably be the second year of second edition of Dance Rotaract Dance. Where we got the title sponsorship a day before the event. एक दिन पहले मिली थी हमको. हम चल रहे थे बस कि हाँ करेंगे हो जाएगा. कैसे होगा किसी को पता नहीं. बट वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन आप कह सकते हो कि एक दिन पहले पैसा मिला और फिर जान में जाना है कि हाँ ठीक है हो जाए, कैंसिल नहीं करना. And what is the Rotaract value that you resonate the most with? Rotaract value that I resonate the most with, I think friendship ही है. Friendship ही है. मुझे लगता है friendship एक ऐसी value है क्योंकि Rotaract में आके ना आपको वो environment मिल जाता है उस value को समझने के लिए. आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आप जैसे drive रखते हैं, जो हाँ आप जैसे drive रखते हैं, आप जैसा mindset रखते हैं, like minded people होते हैं, तो वो दोस्ती बहुत purpose driven हो जाती है. समझ रहे हो, वो बस इतनी सीमित नहीं रहती कि हम पार्टी करेंगे साथ में, मज़े करेंगे, घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, घर जाएंगे. उसके आगे जाके उसमें कुछ और एक पर्पस या कुछ करने की चाह होती है. तो वो दोस्ती मुझे सबसे अच्छी लगती है. सो इज देयर एनी फाइनल मैसेज यू वुड लाइक टू गिव आवर ऑडियंस द लास्ट नाउ इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आंसर ऑन योरसेल्फ can share it with us. Final piece of talk. Final piece would, I think I will reiterate that what I said, कि आप सिस्टम में बंद के मत रहो. आपको कुछ करना ही है, ये आप ऐसे मत सोचो उसको कि ये इवेंट है ये तो करना ही पड़ेगा, ये 10 साल से चला आ रहा है तो इस बार भी करना पड़ेगा. इट ओनली मेक सेंस इफ आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है उसमें से, आपको पर्सनली कुछ मिल रहा है उसमें से. तो जस्ट बिकॉज सब करते आ रहे हैं उसकी वजह से आप मत करो. ये सॉरी टू से बट ये बड़े बूढ़ों का काम है ना कि परंपरा चलानी है हमें. हम तो यूथ हैं तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए क्यों करना है, पहले से करते आ रहे तो क्यों करना है. तो मज़ा आ रहा है तब करो, कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है तब करो, सिस्टम में बन के मत रहो, एक्सप्लोर करो. दैट इज ऑल. सो यर वी आर एंडिंग दिस एलुमनाई टॉक शो. या वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. थैंक यू.